नमस्कार दोस्तों, निधि की विधि में आपका स्वागत है। इस विधि में हम बची हुई रोटी से स्वादिष्ट लड्डू और कटलेट्स बनाएंगे। दोस्तों, निधि की विधि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रोटी को गरम तवे पर धीमी आंच पर समय समय पर पलटते हुए गरम करें। ऐसा करने से रोटी कड़क हो जाएगी। अब इस कड़क रोटी को आप एक साफ कपड़े के ऊपर रखिए, ठंडा होने पर ये और भी कड़क हो जाएगी। इसी तरह से सभी रोटियों को सेक लीजिए। अब दो या तीन रोटियों को हाथ से तोड़कर ग्राइंड कर लीजिए। इस रोटियों के चूरे को आप एक बर्तन में निकाल लीजिए। पहले लड्डू बनाने की विधि देखते हैं। इसमें 3 चम्मच पिघला हुआ घी डालिए, 3 चम्मच बूरा चीनी जिसे तगार भी कहते हैं डालिए, 2 बड़े चम्मच भून कर दरदरे किए हुए काजू और बादाम डालिए, 1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर डालिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बूरा चीनी ना हो तो आप उसकी जगह पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा घी और डालिए जिससे मिश्रण को बाइंड करने में आसानी हो। मिश्रण तैयार है। थोड़ा मिश्रण हाथ में लेकर जोर से प्रेस करते हुए लड्डू बना लीजिए। स्वादिष्ट लड्डू तैयार है। चलिए कटलेट्स बनाते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए 2-3 रोटियों के चूरे में मैश किए हुए 2 उबले आलू डाल दीजिए, 4 बड़े चम्मच कद्दूकस किए हुए गाजर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 कुटी हुई या बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच आम के अचार का मसाला, ये ऑप्शनल है, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डालकर अच्छे से सबको मिला लीजिए। दो चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज भी डालिए। सबको अच्छे से मिलाकर इकट्ठा कर लीजिए। इस मिश्रण से लगभग 6 पैटीज बना लीजिए। अब एक गरम नॉनस्टिक या तवे पर थोड़ा सा तेल फैलाइए। जब तेल गरम हो जाए तो पैटीज को तवे पर रखिए। आंच को मीडियम ही रखें। ऊपर की साइड्स पर भी थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और लगभग 2 मिनट के बाद पैटीज की साइड्स को बदल दीजिए। इसी प्रकार लगभग हर 2 मिनट के बाद साइड्स को बदलते हुए पैटीज को क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए।
कटलेट्स बनकर तैयार हैं। इन्हें पेपर टॉवल पर निकाल लीजिए। इन कटलेट्स का टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ आनंद लीजिए। विधि पसंद आने पर लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। स्क्रीन पर दिखाई गई रेसिपीज को देखने के लिए आप उन पर क्लिक कीजिए। जल्द मिलेंगे नई विधि के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।